सरकार के रोड़े रुकावटों के बावजूद आप डटे रहे। कभी अर्नब का गला खराब हुआ, कभी कुछ लोग अर्नब के गले पड़ गए, लेकिन चैनल न रुका न थका और न ही थमा। आपको बधाई दूंगा, आपने नेशन फर्स्ट के अपने मिशन को डिगने नहीं दिया। हर प्रकार के रोड़े रुकावटों के बावजूद आप डटे रहे। कभी अर्नब का गला खराब हुआ, कभी कुछ लोग अर्नब के गले पड़ गए, लेकिन चैनल न रुका न थका और न ही थमा। साथियों, 2019 में जब मैं रिपब्लिक समिट में आया था, तब उस समय की थीम थी इंडियाज मोमेंट, और इस थीम की पृष्ठभूमि में देश की जनता से मिला जनादेश था। अनेकों दशकों बाद भारत की जनता ने लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत वाली स्थिर सरकार बनाई थी। देश को ये विश्वास हो गया था कि इंडियास मूवमेंट आ गया है। आज 4 वर्ष बाद आपकी समिट की थीम है टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जिस ट्रांसफॉर्मेशन का विश्वास था वो अब जमीन पे दिख रहा है। साथियों, आज देश में जो बदलाव आ रहा है उसकी दिशा क्या है, इसको मापने का एक तरीका है अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार की गति। भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे, 60 ईयर्स। 2014 तक हम लोग किसी तरह $2 ट्रिलियन के मार्ग तक पहुंच पाए थे, यानी 7 दशक में $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। लेकिन आज हमारी सरकार के 9 वर्ष बाद भारत आज लगभग $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश है। बीते 9 वर्षों में हमने 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर तक की लंबी छलांग लगाई, और ये सब 100 साल के सबसे बड़े संकट के बीच हुआ है। जिस दौर में दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं फंसी हुई थी, उस दौर में भारत संकट से बाहर भी निकला और तेज गति से आगे भी बढ़ रहा है।